हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आया नेक बैंड जो कि वन प्लस कंपनी का है। दोस्तों देखिए वन प्लस, तो आज इसको हम करने वाले हैं ठीक। तो इसमें दिक्कत क्या आ चुकी है आपको दिखाते हैं। इसमें दोस्तों दिक्कत क्या है इसका, जो ये देखिए यहाँ से ये टूट चुका है, यहाँ से वायर जो कि यहाँ से टूटने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कटा होगा या खिंचाव के कारण टूटा होगा। तो इसके अंदर ये दिक्कत आ गई है कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक साइड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। तो आज इसी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो आज को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कैसे इसको भी खोलना है और कैसे इसको सही तरह फिट करना है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, कम से कम 10-12 मिनट की वीडियो होगी। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, आपको एक वीडियो से ही पता लग जाएगा इसकी वायर को हम कैसे ठीक करने वाले, कैसे खोलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ब्लेड लेंगे, ब्लेड से यहाँ से हल्का हल्का खोलेंगे, क्योंकि ये वन प्लस के हैं जो यहाँ से पहले मैं कई वीडियो में आपको दिखाया, मैंने सिर्फ पेचकस से ही चोट मारता हूँ और ये आगे का ढक्कन खुल जाता है दोस्तों, जो भी हम एयरपोर्ट या नेक बैंड लेते हैं। लेकिन ये जो वन प्लस के होते हैं, जो भी ब्रांडेड कंपनी के होते हैं, इनके तकरीबन ऐसे नहीं खुलते हैं। तो इनको हमें बिल्कुल सावधानी से काटना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हमने ब्लेड लिया है, तो इस ब्लेड को हम ऐसे आराम आराम से चारों तरफ घुमाते जाएंगे दोस्तों। तो घुमाने से क्या होगा, या तो इसकी जो पेस्ट है वो अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे हम इसमें लिक्विड भी डाल के देख सकते हैं, जो 530 किलो रिमूवर लिक्विड होता है दोस्तों, वो डालेंगे तो इसकी बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं इसके अंदर, जो एसीटोन स्प्रे की तरह काम करता है। तो ये हमने डाला, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, ब्लेड से इसको हल्का हल्का चारों तरफ घुमाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो कि इसकी या बॉडी है या तो कटने स्टार्ट हो जाएगी अंदर से, कटने बाद ये अलग हो सकता है। फिर इसको हमें एलपी से चुकाना पड़ेगा या इसको हम थोड़ा थोड़ा वैसे अलग करके देख लेंगे। तो देखिए एक साइड से हो चुका है, बाकी हम नाखून की मदद से इसको अलग करके देखते हैं। तो ये अलग हो चुका है देखिए दोस्तों तकरीबन, तो इसको थोड़ा बहुत रह चुका है उसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये वैसे खुलते नहीं है दोस्तों, इसकी काफ़ी हार्ड चिपके होते हैं। तो अंदर से हमने इसकी थोड़ी सी बॉडी एक साइड से कट भी कर ली है, और देखिए एक साइड से ऐसे निकल चुका है, तो तकरीबन निकल चुका है देखिए दोस्तों। तो अब क्या है, इसको चिपकाएंगे बाद में, वो भी दिखाएंगे कैसे चिपकाना है। तो यहाँ से देखिए कि ये कट चुका है थोड़ा सा, और एक साइड से बच चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो इसको कोई नहीं, वो हम बाद में फिट करेंगे जब आपको दिखा देंगे, क्योंकि इसका तरीका यही था खुलने का। वैसे खुल जाते हैं कई बार दोस्तों, सेफली भी खुल जाते हैं, कई बार हमें कटिंग उतारना पड़ता है इसको। तो अब क्या है, इसके अंदर देखिए सील लगी हुई है यहाँ पे, इस सील को भी उतारने के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको भी अंदर से चिपका रखा है बुरी तरह। तो अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी आराम आराम से चिमटी से या ब्लेड से इसकी जो अंदर की गोंद लगी है उसको अलग करते चले जाएंगे दोस्तों। आराम आराम से जब अलग होगी तो ढक्कन बाहर आ जाएगा दोस्तों। इसका जो स्पीकर है, इसके टांग के हटा लेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह उतार पाएँ। तो इसके टांगों को अलग कर लेते हैं फटाफट दोनों को, ताकि स्पीकर को अलग कर दें। और ये जब ये इसको हम उतारेंगे, इसकी जो अंदर की कैप लगी हुई है वो बिल्कुल आराम से निकल जाएगी दोस्तों। और क्योंकि हमें तारे दोबारा लगानी पड़ेंगी, इसलिए हमें तारे इसकी उतारनी पड़ेंगी यहाँ से। तो देखिए हमने इसको अलग कर लिया है, बाकी इसकी जो एक्स्ट्रा शोल्डर का थोड़ा बहुत साफ कर लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में, तो हमें इस पे ही काम करना है क्योंकि यही ख़राब हो चुका है। तो अब इसको फटाफट यहाँ से देखिए ब्लेड की मदद या चिमटी की मदद से इसको खुरचते हैं, चारों तरफ से खुरच के इसको निकालते हैं बाहर। तो देखिए इस पे भी ये गम लगा रखा है, जो इसको भी हमें उतारना पड़ेगा आराम आराम से। तो इसको भी बिल्कुल आराम आराम से फटाफट उतारते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे उतारना है। जब ये उतर जाएगा तो देखिए उतारने के बाद हमें क्या करना है, चिमटी से इस कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे कि ये अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर जब तक ये पेस्ट नहीं उतारोगे, जब तक ये बाहर भी नहीं आएगा दोस्तों, पेस्ट उतारने के बाद ही बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा अंदर भी तारे इन्होंने चिपका रखी है, तो इसलिए बिल्कुल मजबूती से बनाते हैं दोस्तों, ताकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले और ख़राब भी ना आए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है दोस्तों, खिंचाव वगैरह पड़ने से तार तो है ही ख़राब हो सकती है खिंचाव वगैरह पड़ने से। तो अब इसको भी देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अंदर की जो पेस्ट लगी हुई है इसको भी यहाँ से अलग करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो इसकी वायर है इसको खींच के बाहर निकाल सकें, क्योंकि ये टूट चुकी है और हमें इसको अंदर से की तरफ से मजबूती से चेपना पड़ेगा। और शायद ये जो वायर हैं वो टूटने के कारण क्रैक भी हो चुकी हैं, जिसके कारण कि स्पीकर चल नहीं रहा है इसका, एक साइड से वन साइड प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें, जो स्पीकर में साउंड नहीं आ रही है। तो देखिए हमने इसको यहाँ से अलग किया, तो इसको अंदर की तरफ दबाव देंगे ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए और इसको खींच के हम अलग कर सकें। तो देखिए हिलना स्टार्ट हो चुका है, तो अंदर की तरफ से इसको खींच लेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें इसको बाहर निकालना है। तो जैसे भी आप निकाल सके वैसे इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि ये ख़राब तो है। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, चोट वगैरह ना खाओ, क्योंकि चिमटी और ब्लेड से हम काम करते हैं तकरीबन इसमें, तो क्या है हाथों पर लग जाती है, तो जो कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है इनको ठीक करते हुए, तो काफ़ी चोटें भी लगती हैं, फिर भी हमें क्या है काम तो करना ही है। तो देखिए इसको वायर को हमने खींच के बाहर निकाल लिया है यहाँ से, तो बाकी जितनी एक्स्ट्रा पेस्ट है इसको साफ़ कर देना, जब ये साफ़ होगी तभी इसकी फिटिंग अच्छी होगी। तो देखिए हमने इसको बाहर खींच के अलग किया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनको यहाँ पे गांठ लगी है, गांठ कैसे लगती है इस पर, तो आपको दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर जो एक रस्सी टाइप डाल रखा है, जिससे कि ये काफ़ी मजबूत होती है, खींचती नहीं है, टूटती नहीं है तारे वगैरह। तो इसके लिए इसकी जो ये रस्सी है इनको भी यहाँ पे
खोल लेंगे, क्योंकि ये पेस्ट वगैरह लगी हुई है इसके ऊपर भी काफ़ी, तो इसको धीरे धीरे यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं ताकि इसको हम सेफली इनको निकाल सकें। जो इसके अंदर ये रस्सी से इनको गांठ मार रखा है इसका हमें यूज़ करना है दोबारा, क्योंकि इससे ही इसको थोड़ी मजबूती मिलेगी। तो अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो देखते जाना दोस्तों, जब भी आपको पता लगने वाला है क्या क्या चीज़ का क्या क्या यूज़ है इसमें। तो इसको फटाफट यहाँ से इसकी जो गांठें लगी हुई है उनको सेफली खोल लेते हैं फटाफट। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वो लाइक जरूर करें। तो देखिए इनको हमने गांठों को यहाँ से खोल के इसको रस्सी को अलग कर लिया यहाँ से। तो इस रस्सी से क्या है दोस्तों, काफ़ी मजबूत मिलता है, और इसको थोड़ा खींच के रबड़ से तारों को और आगे कर लेंगे ताकि ये टांके हैं जो सही तरह लग सके और तारे लंबी हो चुके। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से बीच में से आपको दिख रहा है यहाँ पे तारे कटी हुई हैं यहाँ पे देखिए, जिसके कारण कि यहाँ पे ये चल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे सोल्डरिंग करके दोबारा चला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इसको कट करके ही थोड़ा आगे खींच के लगाएंगे टांके, ताकि ये दोबारा जो टूटने के कारण जो प्रॉब्लम है ये सही हो चुके, तारे टूटे ना और ज़्यादा टाइम तक काम करे। तो इनको यहाँ से कट कर लेंगे और अलग कर देंगे तारों को। कट करने के आपको दिखाऊँगा भी बाकी आगे कैसे मजबूती से उसको फिक्स करना है जिससे कि सही तरह काम करे। तो देखिए यहाँ से दो तारे यहाँ से क्रैक हो चुकी हैं, इनको कट कर लेंगे। कट करने का कट वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे हम सोल्डरिंग करके फिर लगाते हैं इसको फटाफट। तो देखिए तारे यहाँ पे अब छोटी लग रही होंगी, थोड़ा इसको खींच लेंगे और बाहर की तरफ, ताकि पीछे वाली रबड़ है थोड़ी वो बीच में भी जाए और ये सही तरह तारों को निकल जाए। तो थोड़ा इसको करते हैं सेट, तो दिखाते हैं आपको कैसे इसको फिट करना है, कैसे नहीं फिट होगा ये दोस्तों। तो देखिए वीडियो कम्प्लीट देखें। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमें इसको क्या करना है, देखिए जो एक्स्ट्रा इसके अंदर लगी हुई है इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि फिटिंग सही तरह आ सके। तो ठीक है, करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसको हमें यूज़ करना है ताकि हम इसके अंदर सही तरह अटका सके। अगर इसके अंदर मैं आगे वाली कैप नहीं लगाई तो ये तार बाहर आ सकती है फिर दोस्तों, या हमें इसको चिपकाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये देखिए इसके आगे ये लगी हुई है जो ये इससे अटैच थी पूरी तरह, जिससे कि ये तार अंदर की तरफ खींचती नहीं है। तो इसका हमें यूज़ करना है, इसको चिपकाएंगे अच्छी तरह। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे इसको सेट करना है, तो कैसे इसके अंदर लगाना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे और टांके लगा देंगे तो झटके लगने से दोबारा बाहर आ सकती है और टूट चुकती है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए आगे वाली जो कैप है वो इसके अंदर डालनी है ताकि इसको हम अच्छी तरह यहाँ पर चिपका सकें, और तारों को कैसे हम इसको सेट करेंगे ये भी देखना। तो देखिए इसके अंदर से हमने होल अलग कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो तारे पहले वो लगी हुई थी उसको हमने कट करके बिल्कुल यहाँ पे होल बना लिया है। अब होल बनाने के बाद इन तारों को इसके अंदर से निकालना है, जो कि चारों के चारे हैं, जो दो तारे हैं और दो रस्सी की बना रखी हैं उन्होंने दोस्तों, इनको पकड़ के इसके अंदर से निकाल लेंगे ताकि ये जो लॉक सा बना हुआ है ये उसके बॉडी के अंदर अटैच हो सके और वहाँ से ये निकले भी ना, या फिर इसको हम बाद में एलपी से भी चेप देंगे ताकि और मजबूती से बने। तो देखिए इसको एक बार इसके तारों को सारी का निकाल लेते हैं बाहर, और तारों को निकाल के हमें करना क्या है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो उससे क्या आप चिपकाओ या ना चिपकाओ, लेकिन मजबूती इतनी बन जाएगी बाहर नहीं आएगी, लेकिन चिपकाने से काफ़ी मजबूती हो जाएगी दोस्तों। हमें भी कंपनी वालों की तरह उनसे भी अच्छा काम करके देना है कस्टमर को, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर खुश हो के जाए, इसके लिए काम अच्छा करेंगे। देखिए जैसे कि हमने इसको निकाल लिया, देखिए जैसे कि हमने अब इसको निकाल लिया है, थोड़ी तारों को और खींच लेंगे बाहर की तरफ। खींचने में देखिए बिल्कुल ये यहाँ से अटैच हो चुका है, जैसे कि टूटा हुआ था वो टूटने का गैप भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बाद में इसको भी एलपी से थोड़ा मजबूत कर देंगे, तो देखिए यहाँ से जैसे कि हम लगाएंगे तो एलपी से मजबूत कर देंगे, जिससे कि तारे अंदर की तरफ भी चिपक जाएंगे और ये खींचने से नहीं निकलेगी, लेकिन हम इसको और थोड़ा मजबूत करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्रैक है यहाँ से इसको एलपी लगा लेंगे, थोड़ी एलपी लगा के इसको दबा के रखेंगे, जिससे कि यहाँ से चिपक जाएगा और काफ़ी मजबूत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए जो टूटा हुआ गैप था वो अलग नहीं होगा। तो ये तार निकालने से पहले इस कैप के अंदर डाल लेना, जिसमें दोस्तों ये तार को अंदर फिट करना है। अगर ये पहले चिपका दोगे फिर तार उसके अंदर नहीं जाएगी, इसलिए इसको पहले उसके अंदर से निकाल लेना है, तभी उसके बाद इसको फिट करना है। तो देखिए अब यहाँ से सूख जाएगा, सूखने के बाद बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये देखिए हाथ भी चिपक चुका है यहाँ पे एलपी के कारण। तो देखिए इसको भी आराम से छुटा लेंगे, कहीं खाल वगैरह ना फट जाए ऊपर की, स्किन वगैरह ना अलग हो जाए, तो बिल्कुल आराम से अलग कर लेंगे। इसको थोड़ा सूखने देते हैं ताकि एक बार तार मजबूत हो जाए, बाद में इसको हाथ से भी अलग कर लेंगे। तो फटाफट इसको आगे करते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसको आगे में करना क्या है देखिए, वो भी दिखाएंगे आपको। जो आपको दिख रहा होगा दो रस्सी हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे एलपी लग चुकी है और ये चिपक चुका आपसे नाखून से जो स्किन है उनसे आपस में। तो इसको थोड़ा यहाँ से इस साइड अंदर से भी डाल लेंगे ताकि इसके अंदर ये बिल्कुल मजबूत से यहाँ से फिट हो जाए और यहाँ से बिल्कुल खिंचाव करने के कारण ही टूटे ना। और ये रस्सी है देखिए दोस्तों, रस्सी दिखनी है, गांठ मारो या ना मारो आप इसको क्या करना है, देखिए एलपी लगाने के बाद चारों तरफ घुमा देना बस, जिससे कि क्योंकि ये रस्सी का काम तो है ही, इसमें रस्सी जब एलपी लगेगी काफ़ी हार्ड हो जाएगी और वहीं की वहीं जम जाएगी। तो इसको ऐसे चारों तरफ घुमाने से क्या होगा, जब इस पर एलपी लगाएंगे तो यहीं कहीं रुकी रहेगी और तारों को मजबूती से पकड़ के रखेगी और पीछे की तरफ खींचेगी नहीं। तो जैसे कि हमने दिखाया एलपी लगा के थोड़ा सा जैसे कि तागा बच चुका है, तो इसको भी और थोड़ी तरफ चारों तरफ चुका देंगे, तो जिससे कि ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा।
तो फटाफट इसको चिपका लेते हैं। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी ये जैसे गांठ लगा देते हैं वैसे काम करेगा। तो हमने यहाँ पे एल्फी लगा दी, उन्होंने पेस्ट लगा रखी थी, क्योंकि हम पेस्ट लगाएंगे तो काफ़ी देर में सूखेगी और फिर काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर हमारे पास वो वाली पेस्ट है भी नहीं है जो कंपनी वालों के पास होती है। उनके पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास जो होता है हम जुगाड़ से ही हर एक चीज़ को ठीक करते हैं, क्योंकि जुगाड़ का ही काम है हमारे पास, जिससे कि हम टूटी हुई चीज़ों को भी ठीक करते हैं और ख़राब हुई चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल मजबूत। तो एक बार इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे टांगे फिक्स करके लगा के स्पीकर पे इसको चेक भी कर लेंगे, इसमें साउंड वगैरह आ रही है नहीं आ रही है। और वो काम आप पहले भी कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से कट करने के बाद पहले टांके भी लगा के देख सकते हैं दोस्तों कहीं स्पीकर में खराबी है कि चीज़ में खराबी है। बाकी जहाँ तक कि हमें कंफर्म था कि ये तार में खराबी होगी, तो अब इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं दोस्तों। देखिए ये कैप है, अगर आप कैप लगाना चाहते थे लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये कैप भी तकरीबन फिट नहीं होगी। अगर फिट करने के लिए इसके नीचे के जो कैप के लॉक तोड़ने पड़ेंगे और ऊपर से इसको फिट करके फिर चिपकाना भी पड़ेगा। तो आप अगर फिट करना चाहो तो ठीक है दोस्तों, अगर फिट ना करना चाहो तो खाली इस कैप को हटा देना और वैसे भी फिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह ज्वाइंट कर लिया है और कैप हमने लगाई नहीं है, तो इसको हमने चेक भी कर लिया है कैप। देखिए बाकी अगर आपको लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, बाकी हम कैप नहीं लगाएंगे, बिना कैप के इसको फिट कर देंगे या कैप देख लेंगे, अगर सेटिंग बनेगी तो कैप की अच्छी तरह तो कर लेंगे। और बाकी देखिए ये कैप है, वैसे इसमें फिटिंग भी सही तरह नहीं आ रही है, क्योंकि जो अंदर का लॉक है वो ख़राब हो चुका था, जिसके कारण कि वो इसमें लॉक अटैच होता था, लेकिन वो लॉक ख़राब होने के कारण इसमें अब अटैच नहीं होगा, तो हमने अंदर से चिपकाया है। तो इसको इस करके हम अलग कर देंगे, कोई वो नहीं लगे लगाने का फायदा इसका, लगाने भी हैं तो लगा भी सकते हैं। बाकी तार को एक बार अटैच करके देख लेते हैं दोस्तों, अगर फिटिंग होगी तो अच्छी तरह फिट करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे। तो एक बार फिटिंग करके देख लेते हैं इसमें सही तरह, अगर नहीं हो रही है तो इसको ऐसे ही चिपका देंगे दोस्तों। देखिए अगर ऐसे भी चिपक सकता है बिल्कुल, तो इसको ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद हम यहाँ पे एल्फी से इसको चिपकाएंगे। तो कोशिश करें कि एल्फी ध्यान से लगाएं और ब्लेड वगैरह से लगा लें, डायरेक्ट डालोगे तो वो बॉडी वगैरह में फैल जाएगी और वो इसकी ये ख़राब हो सकती है ज़्यादा, और अंदर चली गई तो स्पीकर में भी जा सकती है। तो इसको इसी तरह देखिए हम ब्लेड की मदद से ब्लेड पे एक बूंद एल्फी की लेंगे और इसको चिपका देंगे, चिपकाने से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा यहाँ पे, तो दोबारा टूटने का चांस भी नहीं होगा। तो जैसे कि हमने इसको देखिए चिपका लिया है और चिपकाने के बाद ये बिल्कुल सही तरह हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जिसने अभी तक नहीं किया है, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहें दोस्तों, और वीडियो देखने से आपको काफ़ी सारे ज्ञान प्राप्त होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।